तो यहाँ पे है ब्रॉयलर और उसके साइड में है देसी मुर्गी। हम तो भाई देसी ही लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज जिका दास। आप लोग देख रहे हैं जिका दास ऑफिशियल ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। तो थंबनेल तो आप लोग देख लिए होंगे, आज संडे हैं तो आज कुछ खास तो नहीं है, पर आज मन किया कि घर में मैं चिकन बनाऊंगा। तो अभी मैं जाऊंगा बाज़ार, तो पहले थोड़ा एटीएम जाएंगे, एटीएम से फिर थोड़ा मार्केटिंग, फिर आके मार्केटिंग थोड़ा करेंगे, उसके बाद हम बाज़ार से लाएंगे देसी चिकन। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए और आगे जाके देखते हैं किस तरह का मैं देसी चिकन बनाने का तैयारी करता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो ये रहा अपना विक्रांत V15, तो इसे हम अभी स्टार्ट करेंगे, फिर चलते हैं बाज़ार। लो हम आ गए अभी SBI ATM। तो यहाँ से हम निकल के फिर जाएंगे चिकन खरीदने के लिए। ATM से बाहर आ गए हैं, अभी जाएंगे चिकन कटिंग करवाएंगे। तो ये रहा चिकन सेंटर, यहाँ पे है ब्रॉयलर और उसके साइड में है देसी मुर्गी। हम तो भाई देसी ही लेंगे। तो भैया देसी चिकन दे दो आधा किलो। देसी चिकन खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। अभी इसको कटिंग करेंगे फिर बनाएंगे उसको। ये भैया ने अभी उसको बना रहे हैं, तो उसके बाद हमें कटिंग करके देंगे। तो अभी चलते हैं कुछ राशन खरीद लेते हैं। तो भाई यहाँ से हम राशन खरीद लिए हैं, अभी जाके देखते हैं चिकन कटिंग हुआ कि नहीं है। हो गया कटिंग, दे दीजिए। तो फाइनली चिकन और राशन हम दोनों ही खरीद लिए, अभी सीधा चलते हैं घर। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए। तो फाइनली हम अभी घर पहुंच गए हैं, अभी हम सीधा चलते हैं अपना किचन रूम। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए और आगे देखिए किस तरह मैं चिकन बनाने का तैयारी करता हूँ। ये रहा अपना छोटा सा घर और ये हमारा किचन रूम। ये है हमारा किचन रूम, यहाँ पे हम अभी कुक करने वाले हैं। हाँ, तो चिकन ला के हम फ्रीज में रख दिए हैं और उसे बनाने के लिए जो कुछ भी सामान चाहिए होता है, यानी जो कुछ भी मसाला चाहिए होता है, तो उसको अभी हम मम्मी को बनाने के लिए बोल दिए हैं। वो अभी मसाला का तैयारी कर रही है, तो उसके बाद हम जाके सीधा कुकिंग करके दिखाएंगे आप लोग को। मुझे कुकिंग करने में बहुत ही अच्छा लगता है, पर उसको बनाने के लिए जो कुछ भी मसाला चाहिए होता है, जैसे कि लहसुन, प्याज, अदरक, ये सब को मतलब लहसुन का छिलका छुड़ाना होता है, प्याज काटना होता है, तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है हम लोग को, क्योंकि लड़के लोग हैं तो कभी आदत नहीं है, हो जाएगा बनाने से आदत हो जाएगा, पर मुझे कुकिंग करने में बहुत ही मज़ा लगना आता है। तो चलिए अभी देखते हैं मेरा मम्मी ने तैयारी किया कि नहीं मसाला, तो उसके बाद हम जाके
बनाएंगे देसी चिकन, क्योंकि देसी चिकन मेरा यहाँ हमारा उड़ीसा में बहुत ही चलता है। खास करके मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे देसी चिकन बहुत ही फेमस होता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए तब तक के लिए आगे देखते रहिए, हम अभी जाएंगे चिकन को बनाएंगे, ठीक है। मसाला रेडी हो गया, अभी थोड़ा चिकन को एक बार धो लेता हूँ। मैं जब भी चिकन लाता हूँ बाज़ार से तो धो लेता हूँ, क्या पता उन लोग किस हाथ से काट के देते हैं। तो हमने चिकन को धो लिया, उसके बाद एक चम्मच वहाँ पे हल्दी मिलाए और उसके बाद एक चम्मच नमक, फिर उसको अच्छे से हम मिला लेंगे, अच्छे से मिलाते हैं। उसके बाद हम उसको कुछ समय के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि वो अच्छे से मैरिनेट हो पाए। तो हम कढ़ाई में पहले से सरसों का तेल गर्म करने के लिए छोड़ा था, अभी कटा हुआ प्याज डालें, फिर थोड़ा सा जीरा डालेंगे और उसके बाद उसको थोड़ा सा मिला लेंगे। अभी हम उसमें थोड़ा सा दालचीनी डालेंगे, ये हम डाल दिए। फिर अभी मसाला को हम डाल देंगे, अदरक का और जो पेस्ट बना हुआ था लहसुन का, उसको थोड़ा सा हम अच्छे से मिला लेते हैं। अभी एक चम्मच हल्दी और नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि मैरिनेट के लिए हम पहले से डाल के रखे हुए हैं फ्रिज में। फिर हम मिर्ची का पाउडर डाल लेते हैं थोड़ा सा और उसे मिक्स कर लेते हैं। अभी ये कटा हुआ आलू को हम डाल लेते हैं, फिर उसे मिक्स कर लेते हैं। फिर ये गरम मसाला हम पाउडर बना के रखे हुए थे, थोड़ा सा डाल लेते हैं और थोड़ा सा डाल लेते हैं। उसके बाद ये चिकन मसाला थोड़ा सा डाल लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा मीट मसाला डालेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और उसके बाद धनिया पाउडर, उसके बाद जीरा पाउडर, फिर ये थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर को डालेंगे, उसके बाद दो टो मिर्ची और थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे, बस हो गया। अभी इसे हम थोड़ा सा मिला लेते हैं, बीच बीच में ऐसे ही मिलाते रहना है ताकि वो जो चिकन और आलू अच्छे से पक जाएं। तो इसे अच्छे से मिला लिया, अभी हम ये ढक्कन ढंग देंगे कुछ समय के लिए ताकि वो अच्छे से हो पाए। ये गैस को थोड़ा लो फ्लेम में रख देंगे कुछ समय के लिए। तो अभी इसको हम हटा देते हैं, 5-7 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम में रख दिए थे। ये देखिए अभी ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है ये मसाला। तो अभी एक कटोरे का पानी हम इसमें मिला लेते हैं, आप आपके हिसाब से मिला सकते हैं। और अभी इसको 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको हम ढक्कन ढक के रख देते हैं। तो आइए हम उसको पानी डाल के 15 मिनट तक हम छोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं अभी हमारा चिकन करी रेडी हुआ है कि नहीं। अभी ये चिकन करी रेडी हो चुका है, अभी इसको धनिया पत्ता का हम मिला लेंगे थोड़ा, बस देखिए कितना स्पाइसी चिकन बन गया है। अभी इसको गैस को हम ऑफ कर लेंगे। तो फाइनली हमारा देसी चिकन तैयारी हो गया है और हम एक ट्रे में उसको ले आए हैं। आज के खाने में है राइस, उसमें थोड़ा दाल मिला लिया हूँ और ये है देसी चिकन और ये भिंडी और आलू का भजिया और ये थोड़ा दो टो प्याज और मिर्ची नींबू, यहाँ पे अचार। तो यहाँ पे मैं नीचे बैठ गया अभी खाने के लिए, तो चलिए बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है तो पहले खा लेता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए। तो
खाना पीना तो हो गया। आज का स्पेशल आइटम जो था देसी चिकन, मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो उसको मैंने बना लिया और खा भी लिया। तो आप लोग भी अगर बनाना आता है चिकन तो बना के खाइए, अगर नहीं भी आता है तो सीखिए, क्योंकि खुद बना के खाने से मैं बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए अभी मुझको एक काम में जाना था, थोड़ा मार्केट में काम था, और एक तो अभी थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगा है तो अभी जा नहीं पाऊँगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो बारिश छूटेगा तो तब जाएंगे, तो क्या करें अभी जाके घर में थोड़ा रेस्ट ले लेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे रखता हूँ, और अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देख चुके तो जाते समय जाने से पहले आप लोग कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाओगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।